क्योंकि गैंग रेप हुआ है और उस पे आरोप आपके लड़के पे लग रहा, क्या मामला, क्या रिलेशन में थी वो लड़की? ये लड़की घर के रहने वाली थी, हमारा लड़का वहाँ पढ़ा था, मतलब इनके वहाँ संबंध हो गए। लड़की शादी करना चाहती थी, माँ बाप राजी नहीं थे, हमने अपनी बहू के स्वीकार करा था, या कुछ आती थी लड़के को, मेरे लड़का का खेत पे था, पानी लगा रहा था, इन्होंने लड़की ने फोन करके नहीं बुलाया कि यहाँ आ जाओ, वो गढ़ चला गया, मतलब जो गढ़ चला गया, फिर क्या करा, बस में से उतरी, जैसे जो मोटरसाइकिल बैठ गई, ये जो गिर पड़ी। अच्छा, ये कितनी बार आई थी लड़की? दसवीं बीसवीं बार आ गई। अच्छा, हाँ, मेरे लड़का बीमार भी होया था, हॉस्पिटल में भर्ती था। जो लास्ट टाइम आई थी वो कितनी देर रुकी थी? वो मुश्किल से आधे घंटा रुखा था बस। नहीं, लड़की? हाँ, लड़की रुखी थी। अच्छा, उसके परिजन आए थे यहाँ? आए थे जी, पुलिस वाले भी आए थे साथ में जो। अच्छा, आपके साथ में कुछ बता रहे हैं? आपके साथ में क्या हुआ था? मेरे साथ में ये होया कि लड़की वाले आए, चाटा मारा था, मेरे कुंडल भी लेके खींच के नहीं। क्या लगता है प्रथम दृष्टि में वो लड़की क्या रिलेशन में रहती थी आपके लड़के के साथ? हमारे लड़के मतलब पड़ोस में ही रहती थी वो जो। अब क्या रिश्तेदारीगढ़ में? हमारे नंदगढ़ में। क्या वो लड़की उस परिवार से रिलेटिव है, आपके गढ़ वाले परिवार से? क्या वो लड़की रिलेटिव है? नहीं नहीं, ये MBA पढ़ती है, ये आ रही थी 4:30-5 बजे के करीब, ये बस खराब बता रही थी, मऊ के पास लूँ, पापा मेरी गाड़ी खराब हो गई है हमारी बस, तो मैं बोला बेटे मैं दूसरी कार लेकर के आ रहा हूँ, तो बोले बस पापा ये ठीक कर रहे हैं। मैं बोला बीबी बस में तो बहुत लोगों की आवाज़ है, मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, तो बोली सब अपने बाहर बैठे हैं। मैंने कहा बस से बाहर कौन निकल जाएगा इतनी जल्दी, वो लड़की की बस। फिर दोबारा जो है मैं फ़ोन पर घंटी मारता रहा, फिर कोई फ़ोन नहीं, मुझे शक पैदा हुआ कि मेरी लड़की खतरे में, तो मैं थाने में अपने भाई से फ़ोन करा, फिर भाई थाने में गया, वहाँ एडिशनल SP आए हुए थे, मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने लोकेशन निकलवाई, तो चांदपुर सियाना चांदपुर की लोकेशन है। हमने कार हम अपने भाई को बैठा करके और भी थे भतीजे बैठा करके वहाँ चांदपुर गई, वहाँ एक औरत ने राज नाम है बेटे उनका, चलो बता दो शर्मा, बोलो नाम बता दे लड़के, बोलो नरेंद्र शर्मा के घर पर वो वहाँ एक औरत थी, तो हम जब गए तो वहाँ हमारी उससे नोक जो हुई, पहले तो उसने मना कर दिया, बोले तेरे कौन सी लड़की कैसी लड़की, तो हमारे भतीजे ने उसे डांट फटकार लगाई, पुलिस वालों ने, तो कई लड़की ऊपर है, तो ऊपर जो है बंधी पड़ी थी वो बोरी में और बेहोश पड़ी थी, सिर पर उसके पट्टी बंध रही थी और आँख के ऊपर जो पुतली पे मतलब जो है टांके लग रहे थे। ये हापुड़ का जो ये प्रकरण है इसमें पूरी तरह से तफ्तीश की गई है, ये लड़की जो कि बालिग है अपने पूर्व के सहपाठी और उनके घर में के बगल में रहने वाला एक लड़का जो कि अपनी बुआ के यहाँ रहता था के साथ अपनी इच्छा से गई थी, दोनों ही बालिग थे। जो जांच अभी तक हुई है उसमें यह पता चला है कि मोटरसाइकिल से गिरने से इसे चोट आई, सयाना क्षेत्र के अंतर्गत जहां इसका घर है इस लड़के का, वहां पर इसका उपचार हुआ। इस बीच में इस लड़की के घर वालों के द्वारा जब पुलिस को इत्तला दी गई कि उनकी लड़की कहीं गई हुई है तो पुलिस के द्वारा मदद की गई और पेरेंट्स की उपस्थिति में ही वहां पर जाकर के उस लड़की को सकुशल बरामद किया गया जो कि स्वयं बालिग थी। जहां पे बरामद किया गया वहां पर उस घर में महिलाएं भी थीं और पूरा परिवार था, पारिवारिक जनों के साथ में वो रह रही थी, जहां पर उन्होंने अपने स्तर से इसका उपचार भी कराया था। फिर भी आज की डेट में उसकी चिकित्सा व्यवस्था कराई जा रही है, वो पूरी तरह से स्वस्थ और सकुशल है। जो मेडिको लीगल कार्रवाई की गई है उसमें बलात्कार की कोई पुष्टि नहीं हुई है, प्राथमिक तौर पर किसी भी तरह से बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी सभी प्रकरणों में विवेचना की जा रही है, न ही ये गैंगरेप का प्रकरण है और न ही ये किडनैपिंग का।